जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के स्पेशल क्विज सेशन में। चलिए हम सभी अपने धमाकेदार क्विज सेशन को बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 220 का खिताब जीता है, पहली बार जीता है, उसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर है वो है, ध्यान से देखेंगे, ए ऑप्शन में इसका आंसर मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी और गेंदबाजों की मदद से जो टीम का नाम है वो है ट्रेल ब्लेजर्स ने 9 नवंबर 2020 को दो बार की चैंपियंस सुप्रोनोवाज को 16 रनों से हराकर पहली बार महिला T20 चैलेंज को जीत लिया है। यानी कि जैसे पुरुष लोगों का क्रिकेट होता है वैसे महिलाओं का भी होता है, आप जानते हैं। उसमें एक टीम है ट्रे ब्लेजर्स, जिसकी जो कैप्टन है वो है स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो उन्होंने ही 9 नवंबर 2020 को इस चैंपियंस खिताब ट्रॉफी को 16 रनों से जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शशि खन्ना जी को, इसका जो अध्यक्ष है वो चुना गया। ध्यान देंगे, शशि खन्ना को 9 नवंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। शशि ने इस पद के लिए पवन गुलाटी को 44 मतों से हराया। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे पवन गुलाटी, उनको इन्होंने 44 वोटों से हरा दिया है ना। चलिए, शशि खन्ना को जो कुल वोट मिले थे वो 895 वोट मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में किस देश को हटाने का स्वागत किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सूडान, जो कि आपके ऑप्शन बी में मौजूद है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सूडान के बारे में यह कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में सूडान को हटाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में यह कहा है कि सूडान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और खास हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की औपचारिक सूचना सांसदों को भेजी थी। अमेरिका और सूडान ने सितंबर में इसराइल के साथ शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम लोग 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना, यानी विज्ञान की भूमिका समाज के लोग जाने कि विज्ञान क्या है, इसे ही रेखांकित करना, प्रदर्शन करना, और विज्ञान हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इससे लोगों को जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन का अनुसरण में बनाया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। ये सस्पेंशन ब्रिज है, यानी कि झूला की तरह से, मतलब झूला की तरह से लटका रहेगा, झूला पुल भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं है, वो उत्तराखंड में बनाया गया है। राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विसेज डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 9 नवंबर को यह मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने HN वायरस के संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? ध्यान देंगे, एक नया वायरस, एक तो कोरोना वायरस है उस पर, इसके बाद एक और यह वायरस चलाया जिसका नाम है HN वायरस, जो कि स्वाइन फ्लू के ही तरह है। इसका सूचना देने वाला जो देश है वो कनाडा बना है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। हाल ही में कनाडा ने H1N2 वायरस इसका नाम है, H1 मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, और N2 वायरस, H1N2 वायरस के संक्रमित मानव के
पहले मामले की सूचना जो स्वाइन फ्लू का ही एक दुर्लभ रूप है यानी हाई रूप इसे हम कह सकते हैं, स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। और H1N1 एक प्रकार का संक्रमण वायरस है और यह जो है जो सुअर पक्षी और मानव के जीन में एक समायोजन होता है जो सुअरों को एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों में फैल जाता है, यानी कि यह जानवरों से फैलने वाला रोग है और एक को हो जाता है तो दूसरे को भी यह रोग हो जाता है। इसका पहला केस जो है सभी कनाडा में मिला है और इसकी सूचना कनाडा ने दे दी है। चलिए अब जो समय आता है वो हमारे आज के प्रश्न का आता है। आज के प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सभी बच्चों ने आंसर दिया है पिछले प्रश्न का और उनके आंसर सही या गलत हैं बता भी दिए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है? बिहार, पंजाब, दिल्ली और केरल, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। चारों में से एक ऑप्शन सही होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो जरूर अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस यानी कि नए करंट अफेयर से जुड़े हुए और भी प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत के युवा।